दोस्तों आज की जो वीडियो है, जो आज का टिप्स है, वो शकरकंदी को उबालने को लेकर है। शकरकंदी अब सर्दियों के दिन है तो आने लगी है घर में, और इसे बॉयल करके इसके चाट वगैरह बनाकर खाना तो आपको ही पता है कितने ज्यादा टेस्टी लगता है, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो अभी मैंने शकरकंदी को अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसके पास से हम देखेंगे कि इसे हमें उबालना कैसे है। इस तरह से दोस्तों, जब आप शकरकंदी उबालेंगे तो आपको जो है ना ही शकरकंदी फटेगी, ना ही इसमें पानी भरेगा, और ना ही जो है आपका बर्तन जलेगा। कई बार होता है कि लोग बताते तो हैं कि हाँ भाई बिना पानी के उबाल लो, पर बर्तन हमारे जलकर एकदम काले से हो जाते हैं। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी दोस्तों कि शकरकंदी में ना ही पानी भरेगा, ना ही ये फटेगी, और स्वाद भी बिल्कुल एकदम सोधा सोधा सा आएगा। बिल्कुल ऐसे आपको लगेगा कि जैसे आपने चूल्हे में भूनी हो, आग में भूनी हुई हो, ऐसी शकरकंदी आपको लगेगी। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ली है 1 किलो शकरकंदी, और इसको मैंने पहले अच्छे से वॉश किया है, इसकी मिट्टी हटाई है, और उसके बाद से इसे हम नॉर्मल साइज के पीसेस में चॉप कर लेते हैं। क्योंकि जब हम इसे कुकर में उबालेंगे तो बड़ी बड़ी शकरकंदी होती है, वो अंदर जो है बैठती नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में इसको काट लिया है। अब मैंने लिया है दोस्तों यहाँ पर एक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर आप देख रहे हैं अंदर से एकदम क्लीन है, कोई गंदगी नहीं है, तो इसलिए मैंने साफ इस तरह का कुकर लिया है जिससे आपको पता रहे कि अंदर कोई गंदगी नहीं है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ लगभग 1 खाने वाला चम्मच मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से कुकिंग ऑयल को आप डाल कर प्रेशर कुकर में चारों ओर अच्छे से फैला दें। फैलाने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारी जो शकरकंदी है इसको हम कुकर में डाल देंगे, और एक बार में जितनी आ जाए आप पूरी की पूरी डाल दें। तो यहाँ पर इस प्रेशर कुकर में आराम से हमारी 1 किलो शकरकंदी आ जाएगी, और आप देख रहे हैं कि मैंने अभी यहाँ पर एक बूंद पानी का भी यूज नहीं किया है। शकरकंदी को हम इसी तरीके से उबालेंगे, लेकिन आगे एक ट्विस्ट है, वो आगे आप देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले चलिए सारी शकरकंदी को अच्छे से डाल देते हैं। शकरकंदी कभी कभी होती है कि फिट नहीं होती, तो आप कुकर को हल्का हल्का टैप कर दीजिए तो ये आसानी से नीचे बैठ जाती है और ऊपर जो है बाकी के लिए जगह बन जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमने शकरकंदी को यहाँ पर डाल दिया है, और अब इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर लिया है एक गीला रुमाल। कोई सा भी सूती रुमाल, कोई भी कपड़ा हो वो आप ले सकते हैं। इस तरह के रुमाल हमारे घरों में होते हैं जिसमें हम रोटी वगैरह रखते हैं, उसको मैंने पानी से गीला करके निचोड़ लिया है। रुमाल बस इतना ही गीला है दोस्तों कि जो हाथ से टच करने पर ये इसमें गीलापन पता चलता है। इतना गीला करने के बाद आप देख रहे हैं मैंने इसको कैसे प्रेशर कुकर के अंदर फिट कर दिया, यानी शकरकंदी को गीले रुमाल से ढक दिया है। अब इसके पास से हमने लगा दिया है ढक्कन, और ढक्कन लगाने के बाद चलिए इसको हम रखते हैं गैस पर। गैस पर रखने के बाद पहले तो फ्लेम को हाई रखेंगे, और हाई फ्लेम पर आप देखेंगे कि कुकर के अंदर से 2 से 3 मिनट बाद थोड़ी छनन छनन की आवाज आती है, जैसे तेल और पानी का मिक्सचर होता है ना, कुछ उस तरीके की आवाज आएगी। तो उस टाइम पर आप क्या करिएगा कि जब छनन छनन की आवाज आने लगे तब आप प्रेशर कुकर का जो फ्लेम है, यानी कि जो गैस की फ्लेम है, उसको आप जो है एकदम सिम कर दीजिए। एकदम टोटली सिम कर देना है, और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है दोस्तों, इसी तरह से सिम फ्लेम पर। 10 मिनट के बाद आपको गैस को बंद कर देना है, और गैस को बंद करने के बाद प्रेशर अच्छे से रिलीज होने दीजिएगा, और फिर हम तब प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाएंगे। लीजिए हमने ढक्कन हटाया, और हम इस कपड़े को निकाल देंगे। ये कपड़ा आप वापस से धुल कर अच्छे से यूज कर सकते हैं। देखिए हमारी शकरकंदी जितनी है सारी, वो कितनी बढ़िया से बॉयल हो चुकी है, बिल्कुल भी फटी नहीं है, और एकदम साबत है जैसे हमें चाहिए। तो परफेक्ट 10 मिनट्स में हमारी ऐसी शकरकंदी अच्छे से बॉयल हो जाती है। शकरकंदी को मैं आपको छील कर भी दिखाती हूँ कि ये छिलती कैसे है। देखिए कितनी आसानी से, कितनी स्मूथली हम इसको छिल सकते हैं। ना ही ज्यादा जोर लगाना है, ना ही पीलर का यूज करना है, कितने आराम से हमारी शकरकंदी छिल रही है, ना ही इसका कोई रेशा फट रहा है। तो दोस्तों इस तरह से जब शकरकंदी अच्छी तरीके से उबली हुई होती है तो हम इसका जो भी चाट वगैरह बनाते हैं वो अच्छा सा बन जाता है। देखिए मैंने इसको हाथों से भी तोड़ कर दिखाया, कितनी परफेक्ट बॉयल हुई है, जैसे लग रहा है कि चूल्हे पर सेकी हुई शकरकंदी है। और मैं इसके नीचे एक चीज और दिखाती हूँ कि हमने जो भिगोकर कपड़ा डाला था उसकी वजह से और तेल से, दोनों के मिक्सचर से यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी इकट्ठा होता है जो शकरकंदी से भी निकलता है, साथ ही कपड़े का पानी जो होता है वो मॉइस्चर रिलीज करता है, तो कुकर में जो है लगने का डर नहीं होता। देखिए कितनी बढ़िया से शकरकंदी हमारी उबल कर तैयार हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगी कि प्रेशर कुकर से इस शकरकंदी को शिफ्ट करके इसके नीचे की क्या हालत है कुकर की वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप कोई बड़ा सा बर्तन ले लीजिए जिसमें आपको शकरकंदी को शिफ्ट करना है। मैं यहाँ पर ये बड़ा कटोरा ले रही हूँ, और इसमें मैं सारी शकरकंदी को देखिए आपके सामने शिफ्ट कर रही हूँ। और अभी मैं आपको अपने कुकर की हालत देखिए दोस्तों, हमारा कुकर एकदम नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी नहीं लगा है, ना ही कोई जला है, ना ही कुछ हुआ है। साथ ही नीचे शकरकंदी में नीचे जो पानी है उसको आप फेंक दीजिए, शकरकंदी को एंजॉय करिए बिना फटे बिना छिले। इस तरह से बिना पानी की शकरकंदी खाने में बहुत ज्यादा मिठास लिए हुए होती है। शकरकंदी में दोस्तों अगर पानी भर जाता है तो बिल्कुल भी वो मीठी नहीं लगती, और इस तरह से उबली हुई शकरकंदी बहुत ज्यादा मिठास वाली होती है। आई होप आपको मेरा ये तरीका तो पसंद आया ही होगा।
और इस तरीके को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। फिर मिलती हूँ अपने नए वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। दोस्तों, मार्केट में मेथी आने लगी है। मेथी आने की जब शुरुआत होती है तो घर में पराठे बनने की भी शुरुआत हो जाती है। मेथी के पराठे हर घर में हर किसी को पसंद होते हैं। आप में से कितनों को पसंद है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपको मेथी के पराठे बनाने का एक सिंपल और नायाब सा तरीका बताने जा रही हूँ कि आपको मेथी के पत्तों को वॉश करने के बाद कड़ाही में इस तरह से पका लेना है। पकाने से होगा ये कि मेथी की जो कड़वाहट है वो दब जाती है। इस टाइम पर मेथी मेथी में आप थोड़ा सा नमक मतलब हल्का सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं और पानी के साथ ही मीडियम फ्लेम पर इसको थोड़ा सा पका लें। पानी जैसे ही इसका थोड़ा सा पक जाएगा, मेथी हमारी हल्की सी ड्राई हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि मेथी की कड़वाहट कम हो गई है। मेथी की क्वांटिटी कम होने से आटे में इसे जो है मिक्स करना आसान हो जाता है। और जब हम कच्चे पत्तों को आटे में गूंदने की कोशिश करते हैं तो आटा जो है उतना सॉफ्ट भी नहीं होता और पराठे भी थोड़े कड़क से बनते हैं। तो इस तरह से इसके बाद जब आपकी मेथी पक जाए तो आप इसमें अपने मन चाहे मसाले ऐड करें, कुछ अजवाइन नमक मिर्ची वगैरह ऐड करें और फिर उसके बाद से जितना आटा ये सोख सकता है मेथी उतना ही आटा आपको ऐड करना है। बहुत ज्यादा आटा नहीं ऐड करना है दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पर आधा किलो मेथी को तैयार किया है तो इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 कप या 2 कप ही आटा मिक्स करूंगी। आप देख रहे हैं मैं आटा थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ। उतना ही आटा हम डालेंगे जितने की इस मेथी में मेथी के पानी के साथ हम एक सॉफ्ट आटा पराठे का तैयार कर सके। पराठे का आटा तैयार करने के बाद आप उसे बस 2 से 3 मिनट छोड़ सकते हैं और फिर जैसे चाहे वैसे पराठे बनाए, तिकोने बनाए, चौकोर बनाए, गोल पराठे बनाए, जैसे भी बनाए, आप हर बार जब भी पराठे को खोल कर देखेंगे आपको यही लगेगा कि पराठे को स्टफ करके बनाया गया है, क्योंकि इतनी बढ़िया तरीके से मेथी जो है इसमें दिखती है इस तरह के पराठों में दोस्तों कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप मेथी के इस तरह से आटे में गूंथे हुए पराठे खा रहे हैं। आपके घर में गेस्ट भी आएंगे तो वो भी देखकर जान नहीं पाएंगे कि आपने पराठों को इस तरह से स्टफ करके बनाया है या फिर किस तरीके से बनाया है। तो बस उसके बाद से आप बटर या घी या तेल जो भी यूज करते हैं पराठों को सेक लीजिए। पराठों को सर्व कर सकते हैं आप टमाटर की चटनी, हरी चटनी या दही के साथ। बहुत ही टेस्टी इस तरह से अमेजिंग मेथी के पराठे बनकर तैयार होते हैं। आई होप आपको ये टिप जरूर पसंद आई होगी। टिप पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। क्यों ना इस बार दोस्तों जब आप कढ़ी बनाएं तो कढ़ी पे लगाएं एक ऐसा तड़का जो आपकी कढ़ी को, आपकी पुरानी वाली स्वाद वाली कढ़ी को बढ़िया सा एक नया ट्विस्ट दे, नया स्वाद दे। चलिए देखते हैं कि वो तड़का क्या है। उस तड़के को सिर्फ आपको कढ़ी के ऊपर डालना है, कढ़ी को एंजॉय करना है। आप देखेंगे कि आपकी पुरानी वाली बोरिंग कढ़ी का स्वाद एकदम चेंज हो चुका है। कढ़ी के तड़के के लिए हम यहाँ पर पैन लेंगे। एक बात और बताती हूँ कि जो तेल हम पकौड़ों को तलने में यूज करते हैं वही वाले तेल से हम यहाँ पर तड़का लगाएंगे। तो है ना ये छोटा सा बढ़िया सा ट्विस्ट, उस तेल का यूज भी होगा साथ ही जो है आपके कढ़ी के तड़के में आएगा बहुत बढ़िया सा स्वाद। तो वही तेल लेना है, अलग से कोई भी तेल ना यूज करें। तो इस तेल को हम पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद से इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। और हींग अगर आपकी ज्यादा फ्लेवर वाली है तो आप थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा जीरा डालेंगे, लगभग 1/2 टीस्पून। कुटी हुई धनिया के बीज दी, हाँ धनिया के बीजों को लेकर कूट लिया गया है और उसको डाला गया है। साथ ही बहुत थोड़ी सी सौंफ है, थोड़ी सी अजवाइन है और उसके बाद से बारीक कटी बहुत थोड़ी सी 1/4 प्याज का हिस्सा आप मान सकते हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। प्याज को अब करेंगे हम थोड़ा सा फ्राई। फ्राई को हम मतलब प्याज को हम गोल्डन कर लेते हैं। और इसके बाद से गए हैं 4 से 5 करी पत्ते। करी पत्तों को पहले ना डालें, उससे करी पत्ते जल जाते हैं, प्याज के बाद ही ऐड करते हैं तो करी पत्ते भी अपना फ्लेवर काफी अच्छा देते हैं तेल में। अब जब प्याज और करी पत्ता फ्राई हो जाए तब आप इसमें डाल सकते हैं मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा भी आपके घर में खाया जाता हो उतना ही मिर्च हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब मैंने क्या किया है, तड़के वाली गैस को बंद कर दिया है। गैस बंद करके जब तड़का हमारा हल्का सा ठंडा हो जाए 2 से 3 सेकंड, तब आपको करना यह है कि इसमें डालना है गरम मसाले का पाउडर और सूखी लाल मिर्चें। सूखी लाल मिर्चें आप डाल सकते हैं 1 या 2 जितने भी आपको पसंद हो, साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जो कि आपकी कढ़ी को देगा एक बेहतरीन सा कलर। तो इस तड़के को मिलाइए और चूंकि तेल हमारा हल्का सा ठंडा हो ही चुका है तो इस तड़के को अब हम डाल सकते हैं अपनी कढ़ी के ऊपर। उसके बाद एक और छोटा सा ट्विस्ट है, अगर आपके पास हरी धनिया की पत्तियां हो तो आप जो कढ़ी आपकी तैयार है उसमें आप पहले डाल दें, जिससे कि धनिया की पत्तियां कढ़ी में अपना फ्लेवर दे दें। इस धनिया की पत्ती को तड़के में बिल्कुल भी मत डालिएगा, पत्तियां जल जाती हैं। और अब इस कढ़ी में हम डालेंगे अपना तैयार किया हुआ तड़का 2 से 3 चम्मच, जितना भी आपको पसंद हो टेस्ट के अकॉर्डिंग। और बस इस कढ़ी तड़के को एंजॉय करिए राइस के साथ या फिर रोटियों के साथ।